बहराइच जिला कोतवाली केसरगंज इलाके के हरनी चौराहे पर मामूली विवाद के बाद हमलावर युवक ने एक ई रिक्शा चालक की दिन दहाड़े ईंट पत्थर से हमला कर सिर कूच कर हत्या की और फरार हो गया। हमलावर की वारदात से पीड़ित चीखता रहा, सांसें थमने पर उसकी चीखें थम गईं। हत्या की वारदात की भनक लगते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कैसरगंज थाने के दिकौली कला निवासी बैटरी रिक्शा चालक 25 वर्षीय प्रवेश राव पुत्र राम सेवक मंगलवार दोपहर हरनी चौराहे पर सवारी का इंतजार कर रहा था। इसी बीच दिकौली कला का रहने वाला पड़ोसी 27 वर्षीय गंगा पुत्र ननकव से अचानक विवाद शुरू हो गया। दोनों के आपस में बढ़ते विवाद के बीच गंगा ने प्रवेश के चेहरे पर ताबड़तोड़ ईंट पत्थर से प्रहार शुरू किए। युवक तब तक प्रहार करता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। दिन दहाड़े बीच चौराहे पर युवक की मौत से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आनंद फानंद में पुलिसकर्मियों ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी। थाना अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने बताया कि ईंट से हमला कर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी की तलाश की जा रही है, विवाद का कारण अभी पता नहीं चला है। केसरगंज थाने के हरनी चौराहे पर भीड़भाड़ वाले इलाके में जिस समय युवक पर ईंट से प्रहार हो रहा था उस समय सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होकर तमाशा देख रहे थे और कुछ लोग उसे बचाने की बजाय वीडियो अपलोड करते थे। यदि समय रहते उसे कोई बचाने का प्रयास करता तो युवक की जान बच सकती थी। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी का कहना है कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। केसरगंज थाना अंतर्गत हुई हत्या के संबंध में पुलिस अधीक्षक बहराइच द्वारा किया गया घटना स्थल का निरीक्षण, आवश्यक कार्रवाई के दिए कड़े निर्देश। थाना केसरगंज के हरनी बाजार में रॉकी डीजे की दुकान के सामने हुई हत्या की घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक बहराइच श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा घटना का निरीक्षण किया। विवेचना क्षेत्र अधिकारी केसरगंज रूपेंद्र गौड़ को जल्द से जल्द जांच कर विवेचना संपादित करने के लिए तथा अभियोजन एवं न्याय तंत्र से समन्वय स्थापित कर फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से सजा कराने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद बहराइच में थाना केसरगंज में हरनी चौराहे पर एक रिक्शा चालक प्रवेश कुमार जो कि डिकौली कला का रहने वाला है, उसकी उम्र 28 वर्ष है, उसको ईंट से मारकर घायल कर दिया गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसमें अभियुक्त गंगाधर शुक्ला उर्फ दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे विधिक कार्रवाई की जा रही है, अभी पंजीकृत कर लिया गया है। गंगाधर द्वारा ई रिक्शा चालक को कैसरगंज जाने के लिए कहा गया था, उसके मना करने पर उसने आक्रोशित होकर के उसके सिर में ईंट मारकर उसको घायल कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तत्काल शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है एवं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है।